एक तरफ दिल्ली की हार, दूसरी ओर हुआ कैप्टन ऋषभ पंत का मौत। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना, वो भी अचानक से हो गया कैसे, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि IPL 2023 जो कि पूरी तरह से चालू हो गई, और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली और गुजरात के बीच जो कि बीती रात मैच चला, जिसमें कि दिल्ली ने यह मैच को हार हासिल किया और दोस्तों गुजरात ने यह मैच को जीत लिया। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि आपको बताना चाहते हैं कि ऋषभ पंत जो कि दिल्ली की कप्तानी करते हुए नजर आते थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट होने की वजह से जो कि वह इस बार कप्तानी का पद नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि वह जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, और दोस्तों वहां पर डॉक्टरों का साफ साफ कहना है कि इनकी हालात जो कि दिन प्रतिदिन खराब होती हुई नजर आ रही है, और दोस्तों इनके इलाज के लिए विदेश भेजा जाएगा, नहीं तो अगर इंडिया में इलाज चलेगा तो इनकी जो कि मौत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, आखिर ऋषभ पंत के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना वो भी हो गई है, और दोस्तों इनका बीमारी भी ठीक होने के नाम नहीं ले रहा है। और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि दिल्ली भी यह मैच को हार गया, और दोस्तों दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत अगर यह मैच को खेलते तो यह मैच जो कि पूरी तरह से जीत हासिल होता, और दोस्तों इसको लेकर फैंस जो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो रहे हैं कि आखिर कैप्टन ऋषभ पंत के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना वो भी अचानक से कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ऋषभ पंत के बारे में, आपको जो लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।